क्या चल रहा है यार? रवीन को देखियो यार, परेशान कर रखा है। मचा घर तो क्या कर पे? सो यार, पूरी रात में सो लिया ना, सो जा। 4:48 तुम चाह क्या रहे हो यार? अभी रुक जा, सुबह मम्मी दिखाऊंगा तुम्हारी हरकत। क्या नींद आई है यार, परेशान कर रहा है भाई। सुन, रात भर 3 दिन रह गए, ना कोई लाइट है ना कुछ है यहाँ, बस बिजली वाले ने बहाना चाहिए। थोड़ी सी आंधी तूफान आयो ना और भाई हिल ले, ट्रांसफार्मर फूक जाए। पूरी रात नींद ना आई भाई, सही बता रहा हूँ। ये देख कितने लाल लाल मच्छर खा गए एकदम। इसका मैं तुमको सच बताता हूँ, इसकी इच्छा हो रही है कि इसको कहीं घुमा के लाओ, ये हो लिया घर पे परेशान। अरे चलो ऐसा करो, सुनो ऐसा करो, घूमने ही चल रहे हैं यार, 3 दिन हो लिए हैं यार, कोई लाइट ना कुछ ना यार। पागल हो यार, पिछली बार भी ऐसे ही किया था यार। ए, मतलब लाइट नहीं आ रही तो क्या घूमने के लिए चल दो? क्या मतलब है यार ये, ना रहने दो। अरे चल यार, अभी भाई तेरा ही दोस्त है, तू ही मना ले यार। अरे आकाश, मैं बताता हूँ कहीं पे, चलो हरिद्वार ऋषिकेश चलते हैं, मस्त रिवर राफ्टिंग वगैरह करेंगे। हरिद्वार नवा के लाऊं, चलो जय माँ करें यार, कई बार जा लिए हरिद्वार तो। फिर कहाँ चलना है भाई, हरिद्वार ऋषिकेश बेस्ट है यार मेरे ख्याल से तो। हैं, सपनों की दुनिया में चलो, लेह लद्दाख ना गए कभी? लेह लद्दाख यार, लेह लद्दाख। ये लेह लद्दाख के लिए ऐसे थोड़ी मुंह उठाए और चल दो, ऐसा थोड़ी जाया जाता है भाई। वह टायर बदलवाओ और भाई बहुत प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ता है भाई, हम पे गाड़ी वाड़ी नहीं है लेह लद्दाख के लिए। और मैं तो जा रखा हूँ यार, मेरे को नहीं जाना यार। हैं, अरे मैं जा रखा हूँ ना, आना है हरिद्वार ऋषिकेश चलते हैं यार। तू जा रखा है ना यार हरिद्वार, हम कई बार जा रखे हैं। आकाश तू बता भाई, लेह लद्दाख हैं? लेह लद्दाख मेरा दोस्त कह रहा है मैं आ जाऊंगा। मोमो का भाई देख रहे हो भाइयों, 4:50 हो रहे हैं और इन लोगों का क्या चुल चढ़ रही है लेह लद्दाख की। सुनो, टॉस कर लेते हैं रवि, अंदर से भाई ये कॉइन ले, टॉस कर लो, जहाँ पे आ गया ना वही निकल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यार चल खड़ो हो जा, का टॉस कर ले भाई, ले आ गया भाई तेरा कॉइन, मामा का बीबी नींद में है। ले लद्दाख और टेल ऋषिकेश, ठीक है भाई, ठीक है। तू वैसे ना ले लद्दाख बहुत हल्के में ले रहे हो, मतलब मुंह उठाया। लो भाई देखते हैं, ले लद्दाख चल रहे हैं फिर भाई, भगवान भी यही चाहते हैं, तू देख ले, सिक्का भी यही चाहता है, किस्मत भी यही चाहती है। चलो भाई, मैं तो अभी सितंबर में देख के आता ले लद्दाख, पर ये कभी नहीं गए जिंदगी में, तो चलो इनको घुमा के ले आते हैं भाई फिर। चलो फिर पैकिंग करो भाई, फिर फटाफट पैकिंग करो, मौसम भी खराब हो रहा है, बिजली कड़क रही है। चलो 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 फटाफट ले चल भाई, जो मर्जी ले चलो, चलो चलो चलो। ओ भाई बड़ा टाइम लगा दिया तुम लोगों ने पैकिंग करने में, 6 बजा दिए हैं। वो जैकेट वैकेट रख ली, मतलब मेरे को लग रहा है ठंडी जगह जा रहे हो कहीं, बहुत बेहतरीन ठंडी है। अब भी नहीं पता कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। लेह लद्दाख, यहाँ देखो भाई, रात को हमने जनरेटर भी चलाया था, कितना धुआं धुआं कर देता है, पड़ोसियों को सोने नहीं देता भाई, इसलिए हमने बंद ही कर दिया। फिर बाहर जाके सो गए तो दिक्कत हो गई। चलो चले भाई, अब लोग नहा धो के सेट हो गए भाई लेह लद्दाख के नाम से। कोई प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं है भाई, इनकी कुछ नहीं पता कहाँ से चलना है कहाँ से नहीं चलना। चल यार रास्ते में देख लेंगे, बथेरा टाइम है अपने पे। ओहो, मम्मी ने यहाँ पे भाई बोतल रख दी है अपनी पानी की, देखो पैकिंग अपना, हम 6 बजे निकल रहे हैं घर से। अरे भाई की खुशी देखो भाई, खुशी देखते जाओ एक एक करके इन सारों की भाई। अपनी देसी वाली 2 लीटर की बोतल रख लो, रास्ते में फ्रेश होना पड़ गया तो भाई तू ये इतना गंदा हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करता है, बदतमीज। पहाड़ों में जब कहीं शौचालय नहीं मिलेगा तो तुझे देखूंगा, कितना गंदा है भाई ये लड़का। चलो भाई लोग निकलते हैं, चलो मदर बाय, टाटा गुड नाइट। भाई घर से निकले देर नहीं हुई, आकाश हमें पूछने लग गया पीछे वालों से, गाइस बताओ तुमको कहाँ नाश्ता करना है। अब मैंने जल्दी से उस टाइम मैंने रिएक्शन नहीं दिया, पर अब मैं पूछ रहा हूँ, काफी एंजॉय हो रहा है गाइस, काफी एंजॉय कर रहे हैं गाइस। तो भाई अभी ना हमारे यहाँ इतना ठंडा मौसम हो गया, इतनी बारिश हो रही है, कैंपी पे आ चुके हैं भाई, यहाँ पे देखे कितना मस्त। तो यहाँ पे भाई एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन हो जाए, कौन कौन हम लोग जा रहे हैं और
सबका एक बार आपको पता रहना चाहिए जो हमारी ये ट्रिप रहने वाली है कुछ दिन की भाई, तो यही लोग आपको दिखने वाले हैं तो पार्ट वन में। माय नेम इज आकाश अवार, आई एम फ्रॉम इंडरी हरियाणा, और मेरी लेह लद्दाख से उम्मीद है कि मैं काफी सारा वहाँ पे एंजॉय करने वाला हूँ। मेरे को खूब सारे पहाड़, खूब सारा वहाँ पे सूखापन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने नेक्स्ट फ्रेंड से, तो चलिए। हेलो गाइस, दिस इज अभय यादव फ्रॉम बिहार, और मैं जा रहा हूँ लेह लद्दाख एंजॉय करने। फुल एंजॉय कर देंगे, फुल एंजॉय, खूब रील बना देंगे। हेलो गाइस, मैं हूं रवि सरोद, गोड़ता उड़न गोड़ता उड़न से। भाई ये ओवर एक्टिंग की बहुत ज्यादा हो रही है। ये हमारे मामा का लड़का है, ये मेरा बड़ा भाई है, और ईद की बात करें तो हमारा बिहार वाला दोस्त है। भाई सुनाओ कैसे हो, ठीक ठाक है? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज भाई पता है क्या है इसको, जो हमारी ट्रिप को और इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, कि दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर। ये देखे भाई, ये बूडमो स्पेयर पार्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, इनके पास आप किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी कहीं पे भी स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे हैं, तो डोलने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है, बूडमो से झट जाके ऑर्डर कर लो और अपना एंजॉय करो। तो चलते हम भी आगे एक तरफ। अब भाई मेरे को एक और चीज बताओ, कहाँ से जाने वाले हो? काफी रूट्स है, श्रीनगर कश्मीर से होके जा सकते हैं, मनाली हाई एल्टीट्यूड पे से। भाई फुल ऑन एडवेंचर करोगे? चलो श्रीनगर तो होते हो जाएंगे ना, रोड ही रोड, रोड वहीं तक आएंगे यार, से वापस आएंगे, वहीं से वापस उधर से आओगे। चलो भाई मनाली टू लेह करते हैं फटाफट, चलो फिर आज रात तक तो बस वहाँ पहुँच पाएंगे। गूगल मैप 7:30 बजे तक दिखा रहा है कि मनाली पहुँचेंगे, 7:30 बजे तक दिखा रहा है ना, मैं 6 बजे तक पहुँचा दूंगा। जो था आज आया मथा टेक, पहले पहले प्यार किया पहली पहली डेट, पेरी चेक वाली शर्ट जो तेरी फेवरेट, तने मिलने के चाम आज हो गया छोरा लेट। गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग भाई। आपने देखा था कुछ टाइम पहले आकाश कितना एक्साइटेड था भाइयों, आकाश की एक्साइटमेंट केवल वीडियो तक रह जाती है। सिक्योरिटी गार्ड बस यहाँ पे गाड़ी पार्क कराने के लिए। आकाश को भूख लग गई भाई, 8:00 बजे हैं, यहाँ पे रुक गए इस पे गरम धर्म पे। इसका खा रखा है ना आकाश, ये ओवर हाइप लगता है आपको? आकाश टेस्टी नहीं है भाई, तंदूरी भाई। अभी मैं बताता हूँ, हम लोग ना अपना सोहना हरियाणा पलवला मान सकते हो, वहाँ से लद्दाख जा रहे हैं, तो मैं आपको पूरा हिसाब दूंगा कहाँ पे कितना खर्चा होता है, पूरी डिटेल, आप कैसे कैसे जा सकते हो, कहाँ पे रुक सकते हो। ये देखो भाई 10 घंटे बाद तो हमारा ऑर्डर करने के बाद ये आया है यार, बड़ी गंदी सर्विस है यार इधर। हट वेट टाइम देखना भाई, जस्ट आधा घंटा कंप्लीट होने वाला है तब जाके इन्होंने ये दिए, जब 4 प्रांत पे मंगवाए हमने जस्ट। ये सर्विस होती है यार इनकी, नाम नाम बना लेते हैं, काम करना भूल जाते हैं। हट देख कैसे, ना कुछ सर्व करने का तरीका ना कुछ भाई, बस ये एमबीएस में ये स्कूटर से डंपर से खड़े कर रखे हैं और कुछ भी नहीं है इधर। मुझी दुकान फीके पकवान। भाई भाई देखना, कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो बिल देखो, 563 रुपए 4 प्रांत 4 चाहेगा। अरे भाई यार चल, रेट भी देखा जाए, कोई स्वाद भी तो रहना चाहिए गाइस। आलू के पराठे में बस आलू ही था, बस आलू ही था, और नमक भूल गए, नमक मिर्च मसाला और लहसुन, लहसुन नाम की चीज होती है। आकाश क्या हम ये समझे आपकी लद्दाख ट्रिप पे पहले ही दावत बहुत बेकार रही? रेहड़ी पे 20 रुपए का पराठा मिल जाता, हम खा लेते हैं, हमको कोई शर्म नहीं है, बट हमने कहा चलो इस पे खा रखा है, आज इस पे ट्राई करें। दोनों का एक्सपीरियंस वर्स्ट, बाकी भाई सबका टेस्ट अलग अलग होता है, वो भी चीज है। ये देखो भाई हम हरियाणा में, अब यहाँ पे छोड़ रहे हैं अपने हरियाणा को, और ये लड़का तो भाई ये तो सोने के लिए आए हैं, सोने मैं सो रहा जब से ही पड़े हैं यार। पंजाब में आने का ना एक सबसे बड़ा प्रूफ हमको मिल जाता है कि हर किसी की छत पे ये कुछ ना कुछ बना होता है, चील का हुआ कुछ ना कुछ बना ही है। तो अभी हम आ चुके हैं भाई पंजाब, हमने अभी एंट्री कर ली है और यहाँ पे तेल खत्म हो चुका है। तो भाई हम लोग पहुंच गए अभी मोहाली, तो यहाँ पे से बस इसमें एकदम ही खत्म हो गया था भाई तेल, तो 500 रुपए का डलवा लेते हैं, क्योंकि भाई ने हमको बताया HP में सस्ता तेल, तो हिमाचल प्रदेश में डलवाएंगे ना, वहाँ पे यहाँ पे 87 है भाई, वहाँ पे 81-82 होगा, तो क्यों तेल क्यों पैसे ज्यादा फूकेगा ऐसे ना। देखो भाई थार में कितना स्पेस है यार, बंदे कैसे रिलैक्स बैठे रहते हैं। तो ये तो भाई एकदम मतलब फुसुए पड़े हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा 5 लीटर तेल आया यार, और यहाँ पे 100 भाई बता रहे हैं 10 की है माइलेज दिखा रही है MID में। तो भाई आपने देखा था 8 की दी थी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको दिखाया था 8 की दी थी एक लिए, तो अगर 10-50 भी करे तो भाई कहाँ चलेगी। तो मैंने भाई से फिर 500 का और डलवा लिया है, रिस्क नहीं लेने का यार, टाइम वेस्ट नहीं करना जिंदगी में ना, सुचमा चलो, अब दोबारा किसी पेट्रोल पंप पर रुकना पड़े क्या फ़ायदा है ना भाई। भाई का टैटू अच्छा लग रहा है ओम। ये देखो भाई हम मोहाली के अंदर है, और यहाँ पे यहाँ कलोनी सी कट रही है, नहीं नहीं
यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 किलोमीटर पीछे से भाई ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर, पता नहीं कुछ नया सिस्टम है यहाँ पे तो हमारे वहां तो कहीं भी टेक देते हैं। घुमा रहे हैं हमें सेक्टर के अंदर, पता नहीं यार कहाँ थे नए नए रोड अनपैकर लेके, पहली बार घुमा रहा है शहर में अंदर घुसा रहा है बेफालतू में गूगल मैप्स, तो देखते हैं सही लेके जाता है नहीं जाता है। ताऊ ताऊ यहाँ पे ताऊ वाऊ नहीं बोलते ना, लेकिन ताऊ नहीं बोलते पाजी पाजी पाजी। देखो घर कितने अच्छे अच्छे बन रखे हैं भाइयों, देखो भाई कितने तगड़े तगड़े घर हैं, देख डिजाइन देख पूरे इंटर ये पथवाते नहीं है, पेशेंस के साथ बनवाते हैं, पूरा इंटरनेशनल लेवल के घर बनवा रखे हैं पेरेंट्स की तरह ना यार, जल्दी बनवाओ जल्दी रिवाइज करनी है भाई। समय देखो 12 बज गए हैं, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, जब से ऐसा ही मौसम हो रखा है बारिश का सा हो नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन मौसम अच्छा है। तो भाई हमारा तो ढाबों पे से भरोसा उठ गया, वो सुबह खाने के बाद हमको लगा सब जगह ऐसे मिलेंगे, गाड़ी देखो कितनी अच्छी सी लग रही है। तो यहाँ पे हमको दिखा भाई यहाँ पे पंजाब का मशहूर क्या बनवा लिया दोस्तों ने, आलू की चटनी पाव के अंदर, पाव के अंदर है? कह रहे हैं छोले कुलचे, पता नहीं क्या चक्कर है इधर ऐसे ही रहता है क्या, ये देखो ये आलू है, अरे छोले भरने चाहिए भाई यार आपने, छोले नहीं रुकते मिक्स चलते हैं इधर मिक्स भरते हैं, हमारे वहाँ तो इस टोकरे में ना छोले होते हैं भाई ने, देखो कितना सुंदर बना दिया लगे, किसी को आप रिकमेंड करते हो कि यहाँ पे अगर लद्दाख जाते टाइम आपको ऐसे ही छोले कुलचे दिखे तो खाओ? नो खुद ही रुकाता ये भाई, हम ऐसे सीधे जा रहे थे वहाँ से यू टर्न करवा के लेके आया कि नहीं नहीं मैं तो यही खाऊंगा, बताओ। फाइनली भाई हम लोगों ने एंटर कर लिया हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से होती है भाई लद्दाख ट्रिप की रियल स्टार्टिंग। क्यों भाइयों ये कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं भाइयों, आप अगर ईयरफोन लगा के देख रहे हो थोड़े मंदे आवाज कर लेगा, बहुत एक्साइटेड है बहुत ज्यादा भाई। लद्दाख एक यंगस्टर का सपना होता है कि वो यंग एज में लद्दाख, और हम इतनी कम उम्र में, अभी हमारा आकाश तो अभी 9 साल का ही है, बताओ। यहाँ पे देखो भाई जियो का मैसेज आ गया है वेलकम टू हिमाचल या पंजाब जो भी आया होगा पता है। भाइयों यहाँ पे हमने 40 रुपए दे दिए हिमाचल एंट्री के, अरे ये वाइस पहाड़ों वाली आ रही है ना, ये लोगों ने 40 रुपए लिए, हमने कहा पर्ची दे, तो कह रहा अभी खत्म हो रही है पर्ची, हमने कहा फिर हमारे पैसे खत्म हो जाए तो, मैंने तो कह दिया अच्छा डायलॉग डिस्काउंट दे दो तो वो हंस दिए, बस हंस दिए डिस्काउंट नहीं दिए। अब पहाड़ों में आते ही क्या नुकसान है भाई, यहाँ पे जाम देखो आप, ये देखने यार इतनी देर से खड़े हम लोग और ये आगे तक पता नहीं कितना लंबा जाम है, जाम तो खुल गया भाई ना भाई, यार ये लुपुर लुपुर करने लग गई यार, यहाँ पहाड़ों पे जन कितनी आगे मिलेगा जन अब तेल, बड़ी दिक्कत है, थार ना एक्यूरेट बताती ही नहीं है, अब तेल आ गया इसके अंदर, इतनी देर से डरा रखे हैं इसने, हम 11 किलोमीटर बचा यार, यहाँ पेट्रोल पंप इतनी दूर दूर रहते हैं यार, पास पास बनाओ हिमाचल वालों, अभी बेकार है यार ये ना, लोग होना चाहिए, हमको नहीं पसंद आया डिजिटल था का तो कुछ ज्यादा ही बेकार है, कभी एक्यूरेट नहीं बताता। यहाँ पे जो लड़का सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहा है ना वो यही है भाई, बस सोए जा रहा है पूरे दिन भर, इसको बस नींद ही आती है। भाई बच गए फाइनली, हमें मिल गया पेट्रोल पंप, ये डीजल हो गया भाई इसमें 4200 का फुल, भाई टेंशन सी हो गई थी भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यार ये ना वो ब्लिंक करने के बाद 22-30 किलोमीटर आराम से आ जाती है, मैं सोचा कि यहाँ पे कितनी भीड़ मिलेगी, पेट्रोल पंप खाली पड़े रहते हैं हिमाचल के, क्या दिक्कत है पता नहीं, अब तो भाई जहाँ पेट्रोल पंप मिला करेगा ना वहीं भरवा लिया करेंगे, ये गलती नहीं करनी भाई, खड़े हो जाते बेकाम की बेफालतू में। भाई यहाँ घूमते घूमते आ गए हम सुंदरनगर, देखना भाई कितना सुंदर स्काई है इधर रियलिटी में, मैं आपको सामान दिखाता हूँ हमने कितना लोड भर रखा है, देखो ये देखो भाई साहब, अगर इसको मैं खोलूंगा, आइयो एक मिनट आकाश खोलियो, हम इतने सारे बैग लेके जा रहे हैं भाई, इसमें जैकेट है क्योंकि ठंड का सीजन है, और सबका एक एक बैग है, ऐसा कोई फालतू ज्यादा सामान नहीं है, और एक एक जोड़ी जूते हैं, बस इतने में अपना काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ी देर आकाश चलाने लग गया था, हाथ साफ कर ले यार पहाड़ों पे हार से, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसने हाथ साफ कर लिया है भाई, थोड़ा सिखा रहे हैं इसको, धीरे धीरे सीख जाएगा लड़का, अब मैं ड्राइव करता हूँ फिर से, क्योंकि ये तो धीरे धीरे चलाता है तो बहुत देर में पहुँचाएगा, हमको जल्दी पहुँचना है, दिन दहाड़े ही पहुँच जाए, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 5:15, हम यहाँ पे गूगल मैप्स ने 9 बजा दिए हैं, अब 9 बजे पहुँचाएगा ऐसे, क्योंकि रुकते रुकते चल रहे हैं यार, क्या जल्दी है, अब ना इंजॉय कर तू, चलना चाहिए ट्रिप को आराम से। करे जावे छोरा फ्यूचर अजूम, सांझा लाना सांझा खाना लागे नाम पछे राणा, वो गाँव फिर कल्ले कल्ले शौक तेरे सारे।
व्यू देखो भाई यहाँ से कितना गजब है यार। ठंडी ठंडी हवाएं, शुद्ध हवा एकदम, पोल्यूशन फ्री। कितने दिन बाद आकाश को ऐसी ठंडी हवा मिली है। सनरूफ का फायदा तो देखो भाई होता है, मतलब आप ऐसे आराम से इंजॉय कर सकते हो। अब क्या करें, पिछली बार जीप कंपास से आए थे नवांगुर भाई के साथ, अलग ही मजा आया था, लेकिन इसका भी अलग ही मजा है यार एकदम। हाँ, से मतलब 4x4 है ना, थक ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं थक रहे, आकाश भी चला ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है भाई जस्ट मनाली, और बता कितने घंटे बता रहा है, 3.5 घंटे। मतलब आप आइडिया लगा रहे हो कैसे रोड्स होंगे, मतलब यहाँ पे स्लो स्लो चलती है गाड़ियाँ एकदम से। जल्दी पहुंचो, हम 10 बजे पहुंचेंगे जल्दी अंदर। 10 बजे? हाँ 10 बजे भाई साहब। यहाँ पे आप देखो 7 बज गए हैं, हमारे वहाँ पे 7 बजे दिन मुल जाता है एकदम से। अभी हम इतने एल्टीट्यूड पे है ना, 5000 फीट पे भाई, यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 बज रहे हो, इतनी कड़क धूप है ना, दिन निकल रखा है कंप्लीट। वैसे मौसम में ठंडक है। हाँ वैसे मौसम 5000 फीट पे पता नहीं किस रास्ते से लेके आया है भाई। हवा देखो भाई कितनी ठंडी ठंडी हवा, जैसे ये ना बेकार से रास्ते से ले आया भाई हमको, मेन रोड को ही हो रहा है जैसे टूटा सा रास्ता। और जो हिमाचली लोग इतनी हाई स्पीड में चलाते हैं रोड्स पे, एकदम से आते हैं तो बहुत ऐसे डेंजरस सिचुएशन बन जाती है, एकदम से ब्रेक लेते हैं। हाँ रोकते कोई सा भी नहीं दबाएगा, उसको पहले रोक लेनी चाहिए थी। तो ये सिचुएशंस बन जाती है यार यहाँ पे ना भाई। तो भाई देखो अब भी 2 घंटे बच रहा है 76 किलोमीटर का, देखो पहुंच जाएगा। एमपी वाला है ना, तो वो बेचारा ना निकाल पा रहा। और ये देख कितनी जगह है, और जब भी ना निकाल रहा देख, एचपी होगा ना, एटीट्यूड ब्रो, एटीट्यूड निकाल ना रहा, बैग तो दे रहा है आगे ना ले रहा, वो देख कितना दबा रहा है वो भाई। ये क्यों ना ले रहा, जा ही ना रही आगे क्या ये भाई, यही सिस्टम चलता है। ये नूब ड्राइवर भी आ जाते हैं ना कई बार, इनका भी कसूर नहीं है। ये देखो भाई इस रास्ते को मत लेना यार कभी, आओ तो गूगल मैप्स के भरोसे, ये तो पागल सा रास्ता है बिल्कुल ही डेंजरस रोड है एकदम ही, डेंजर बहुत डरावना यार, इतना ऊपर नीचे खाई खाई देखा भी ना जा रहा है यार, बहुत सब बहुत ऊपर चल रहे हैं हम, देखना ये पहाड़ का मैक्सिमम है भाई यहाँ पे, बॉर्डर भी ना यार रोड पे, कोई बैरिकेड कुछ लगा रखे हैं, दिल में दर्द हो गया। ओलो अभी तो आकाश के सिर में और दर्द हो गया बताओ, 5000 फीट पे ये हाल है, 15000-17000 फीट पे जो हम जाएंगे तब क्या होगा इसका। नीचे देख कर ये जो एकदम गाड़ी ने ला रहे है ना उससे मतलब। हाँ तो भाई लद्दाख में क्या होगा, ऐसा करते हैं इसकी बस करवा देते हैं। हाँ, बस करवा देते हैं इसको, बस में बिठा के तू पार जा, बस ले भाई लो ले। आ जाओ इस रास्ते से, यू ही एक नूब है जो जाम लगा रहा है बस परंतु थोड़ा सा सही तरह की जरा कच्ची माटी है। फाइनली भाई रात होगी यहाँ पे, ले 500 किलोमीटर और जो मनाली है वो 37 किलोमीटर मात्र बच गया है। अब तो फटाफट गाड़ी लगा देता हूँ, ब्लॉग में ले रहा हूँ भाई। देखो आकाश खाने से पहले इंस्टा स्टोरी और ब्लॉग में जरूर डालता है भाई। देखो अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे मनाली से, 35 किलोमीटर दूर हो रहे हैं बस, 30 ओ सॉरी आई एम रॉन्ग। तो अभी भाई मेरे तो देखो जैकेट निकल गई, यहाँ पे बहुत ठंड है ना, बहुत बुरी ठंड है भाई। तुम भाई पता कैसे बैठे, अब बस रूम ढूंढ रहा है और हमको सो जाना है। सुबह 4 बजे से उठे हो रहे हैं, इन्होंने ऐसे 4 बजे उठाए थे रेंडम प्लेने से बनाए इन्होंने, पूछो मत। यहाँ पे यार मस्त था इसका खाना तो, सुबह से यहाँ पे अच्छा मिला देख देश की। और यहाँ पे देखना इतनी ठंड पड़ रही है भाई, मस्त था, इसको इग्नोर करो, खाना मस्त था बिल्कुल, ठंड भी मस्त पड़ रही है ना। चिकन नूडल्स लेता ना, दांतों में फंस गया था उसका निकाल, वो तो आपका साहब ने दिखाया नहीं, वो मिस कैसे हो गया आपके दिखाने से वीडियो में, दोबारा ऑर्डर करो। अब भाइयों हमारी हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है फॉर होटल्स, क्योंकि भाई इस भाई को बहुत तेज ठंड लग रही है, तो हम 25 किलोमीटर पहले से ही ढूंढने लगे, क्योंकि मनाली में ऐसा तो है नहीं, हमको मनाली में ही चाहिए है ना भाई, कहीं भी रुक जाएंगे हमको तो बस स्टे करना है। तो क्या क्या बोल रहा है ये भाई, अभी गए हम अंदर, रूम तो बढ़िया था, बाथरूम एकदम सेक्सी था। अच्छा मतलब रूम क्या, कोई रेंट यार हमको थोड़ा ओवर लगा यार। कितना वो बोल रहा है कि 2 लोगों के लिए 3500 रुपए, अगर तुम 2 एक्स्ट्रा मैट्रेसेस लोगे तो उसके 5500 रुपए और, मतलब 4500 रुपए का रूम। अभी उस वाले होटल से आ गए भाई हम, 10-13 बहुत सारे हमने देखे हैं। पता है दिक्कत ये होती है कि ना, मतलब 4 जने होते हैं ना तो फिर ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, 2 जने होता है ऑनलाइन बुक कर सकते हो आपको बढ़िया रेट पे मिल जाते हैं, लेकिन 4 में दिक्कत होती है ना। दिक्कत नहीं होती है, होती है भाई, मैं नवांगुर भाई थे ना, इतना बढ़िया बढ़िया रूम में रुका करते थे, 500 रुपए का फर्क पड़ता है बस 4 बंदे नहीं। तो हमने यहाँ पे मेन रोड में भाई बहुत सारे ढूंढने के बाद ये वाला ले लिया है। चलो रूम दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को भी, चल के दिखाता हूँ, मैंने अप्रूव करा है ये, इसमें देख के आए थे वो मेरे को पसंद नहीं आया। चलो चलो, जो रूम हमने लिया है भाई वो कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा अलग है भाई, थोड़ा सा राउंड राउंड सा ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा राउंड बेड है, इसमें मैं अकेला सोऊंगा, अरुण का और रवि का क्वीन बेड है,
किंग क्वीन इस पे सोएंगे और तू इस पे सोएगा हॉस्पिटल बेड पे, या मैं और मेरा दोस्त इस पे सो जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हम तुम कपला कपली को चेंज नहीं करना चाहते। ये देखो भाई ऐसा कुछ दिखता है आज तो भाई, देखो कुछ नजारे नहीं आए आकाश, कल दुनिया बदल जाएगी भाई आपके लिए, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बदलवाना चाहता हूँ। हाँ देखना कल क्या देखने को मिलेगा, मौज भाइयों कल मिलते हैं आपको, कल दिखाएंगे रियल चीज। अभी खाना पीना खा ले भाई, हम बहुत थक चुके हैं भाई। हाँ यार 11 बज गए, हमें दीजिए इजाजत कि खाना पीना खा के आप सो जाइए भाई, आप बहुत थक चुके होंगे। आप सभी भाई भी सो जाइए भाई, गुड नाइट, वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 4 बजे के जगह हो ना, सोना तो बनता है भाई, जल्दी जल्दी सो जाओ सारे कंबल ओढ़ ओढ़ के, तू भी सो जाओ बस, तो देख लो यार, ठीक है गुड नाइट बोल दे भाई, गुड नाइट, गुड नाइट, सो जाओ, सो गो, गुड नाइट गाइस।